बहुत सस्ता है फूड वहाँ का, एक बस्ती जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। और इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी हसरत ये है कि हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो ये अवाम है, ये प्रोग्राम अवाम के नाम से। जो स्टेज से तशरीफ लाए और इस तकरीब का बजाता दोनों मुराद
Thank you.
This is basically production about Kashmir, but the question is why we celebrate Kashmir Day on 5th February? Because there are 80% Muslims in Kashmir. In 1947, in the partition of Hindustan, Kashmir remained undivided. The people of Kashmir wants to become a part of Pakistan, but the Raja of Kashmir gives permission to Indian Army to get in Kashmir. So the war between Pakistan and India started in the light of this war. In 1990, the leader of Jamaat-e-Islami Qazi Hussain called it Solidarity Day, and then Prime Minister Benazir Bhutto publicly announced Kashmir Day on 5th February. So Pakistan celebrates Kashmir Day to show love to the people of Kashmir. So friends, this is basic history of Kashmir. Thanks for your patience. I am Saisala se, Nabi Ahmed Railway Station se, Abdullah Gadiya se, Bilal Ahmed Sawar Chowk se. मेरी जान से मेरा नाम नूर है और मैं गवर्नमेंट एमआरपी सेंटर में टीचर हूँ इन बच्चों का। तो एक बात आपकी गोश्त गुजार करता चलूँगी, ये खसूसी बच्चे हैं और खसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं, तो आप इनकी हौसला अफजाई कीजिएगा कि इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। तो कल पूरा दिन हम बल्कि दो तीन दिन से, तो आपको बहुत शुक्रिया, इन बच्चों का भी बहुत शुक्रिया इतने टाइम निकाला अभी और ये हमारी रिक्वेस्ट पे इस टाइम आए हैं। आपको बहुत शुक्रिया। Pakistan, Kashmir.
स्पेशल बच्चे, स्पेशल बच्चे भी हमारे समझने का हिस्सा है, इन्हें भी उतना ही आता है मुख्तलिफ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का जितना एक आम आदमी को होता है। इन्होंने आज जो परफॉर्म किया है ये परफॉर्म साबित करता है कि इंसान चाहे डिसेबल हो लेकिन उसका दिल पाकिस्तान और कश्मीर के लिए जैसा ही लगता है। नाज़रीन हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तकरीबात माशरे को फरमान चलाने में मामन और मददगार साबित होती है और आज की ये तकरीब स्पेशल तकरीब है। ये इंटरटेनमेंट की तकरीब नहीं है बल्कि एक आवाज़ है, एक आवाज़ है कश्मीर के लिए। मैं एक बार फिर तमाम शरीफ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और खुसूसी तौर पर जनाब नैयर अब्बास जाफरी का चेयरमैन बैतल मार अलीपुर का सिंचाई मशहूर उनके उन्होंने अपनी अजीम और प्रसन्न गर्मियों से चंद गर्मियाँ तकलीफ को दी है, हमारी उसका अफदाई की है, अफदाई की है। तमाम मेहमान ग्रामी ने भी हमारी बहुत अफदाई की है। थोड़ा सा इस प्रोग्राम को आपने उठाना है तो जी तरह लगी आप बताएं, आप थोड़ा बिल्कुल जो तकलीफ में बैठेंगे लोग हैं ना ये सब सो रहे हैं तो इन्हें थोड़ा सा जगाना है। प्रोग्राम तो चलता रहेगा, साथ साथ हम जो है कमेंट्स का सिलसिला भी रखेंगे। यहाँ पे हॉल में बैठे हुए हमारे अब्दुल रशीद साहब जो कि लोकल गवर्नमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनको वेलकम करते हैं और उनको स्टेज पे आने की दावत देते हैं कि वो आए और अपने मैदान का इजहार करें। आपका और आपकी मीडिया की पूरी टीम का इंतहाई मशहूर हूँ। क्या आपने इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी और इस हाथ में बैठे जितने भी खातिन हजरात आपको देख के अच्छा लगे उसे समझ रहे जब भी बात हो कश्मीर की, जब भी दुनिया में बात हो फिलिस्तीन की, इराक की, लीबिया की, मिस्र की, बेरूत की, चेचनिया की और दुनिया के खिते में बसने वाले मुसलमानों की, मजलूम मुसलमानों की, तो वहां पे मैं नहीं बल्कि दुनिया में बसने वाले हर मुसलमान तकलीफ पहुंचती है। और इस वक्त दुनिया की जो आबादी 7 अरब से ज्यादा है और उसमें मुसलमान 40% 3 अरब या 2.5 अरब के लगभग मुसलमान है और इन मुसलमानों में यहूदी मनसूबे के तहत वो मुसलमानों को हमेशा बस्ती की तरफ ले जाने की मनसूबाबंदी और प्लानिंग करते रहते हैं और किसी एक बच्चा अंग्रेजी में स्पीच कर रहा था तो 26 अक्टूबर 1946 को जब इंडिपेंडेंट एक्ट ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट जब अनाउंस हुआ उसके अनाउंसमेंट से पहले ही अंग्रेज ने एक जांच चली और उस वक्त के महाराजा ने बहुत ही डर हुआ था कि बरसगीर पाक हिंद में जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है उनको मिला के एक मुस्लिम रियासत और जहां जहां हिंदू है वहां पे दो नजरिया के तहत जो इन्होंने एक
पेश किया था उसके अहम मुताबिक और फिर जो भी रहमत अली रहमतुल्ला अलैह के नजदीक के मुताबिक मुसलमानों के हिस्से को जो नाम दिया गया वो पाकिस्तान का नाम दिया गया। लेकिन अंग्रेज से यहूद नसारा ने एक दहशत लेने के बाद 1947 में 26 अक्टूबर 1946 में इसका सौदा किया और जो रियासत कश्मीर थी उसका इलाक एक एग्रीमेंट के तहत पूरे इंडिया के साथ मेरी दुआ है अगर मैं वहां पे जो मजलूम हमारे कश्मीरी भाई के मुसलमान उनको उनकी जो मुश्किलात है अल्लाह पाक उन्हें कभी लाए और उनकी जो आजादी की जो वजूद है उसको कामयाब करे और पूरी दुनिया में जान कहीं भी मुसलमान इस वक्त यहूद नसारा या गैर मुसलमानों के शिकंजे में है अल्लाह उन्हें उनके शिकंजे से निजात दिलाए। एक गाना ले आऊंगा इसका जवाब दीजिएगा इस्लाम 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 इसलिए कि आजकल इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया में जो बाइडन से लेकर यहूद के हत्थे से बनने तक तो आप मुझे आवाज नहीं आई इस्लाम पाकिस्तान पाकिस्तान लगाते मुंडी बुद्धा हाय आज मुंडी बुद्धा मुंडी बुद्धा हाय बहुत मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम। आज यौम जमशेद कश्मीर के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए मैं ये जो जिन्होंने लंच किया प्रोग्राम जिन्होंने इंतजाम किया उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ क्योंकि हमको चाहिए कि हम पूरी कोशिश करें ये एक दिन की नहीं साल में एक दिन हम साथ चलते हैं बात करें हम मुसलमान हैं हम सुनते हैं पढ़ते हैं देखते हैं वीडियो में देखते हैं देख के खामोश हो जाते हैं सुन के खामोश हो जाते हैं जो हमारे कश्मीर भाइयों के साथ बच्चियों के साथ बहनों के साथ जितने लोग हो रहे हैं मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों यह दुनिया फानी है यह छोड़ जानी है हमें चाहिए कि हम अपने भाइयों के लिए उठें उनके लिए मदद करें उनके लिए हमारा काम है उनके लिए जो कुछ हमसे हो सके बल्कि पूरी पूरी कोशिश करें ताकि हम उनको किसी न किसी तरह से उनकी हौसला अफजाई करा सके या किसी किसी फंड के लिए किसी चंदे के लिए जिस तरह हो सके हमको करना चाहिए क्योंकि आज वो मुश्किल में है आज वो परेशानी के आलम में है उनके तरह तरह के उनके साथ जुल्म हो रहे हैं तो हम ये चंद लोग इकट्ठे होकर ये खुश हो रहे हैं कि हम उनके साथ इतना बड़ा खुश कर रहे हैं हम पूरा पाकिस्तान पूरी मुस्लिम उम्मा मैं ये कहता हूँ कि उन कश्मीर मजलूम भाइयों के लिए कुछ नहीं खाली जुबानी बातें हो रही हैं मेरी पूरी दुनिया के मुसलमान से अपील है कि कश्मीरी मजलूम बहनों भाइयों और बुजुर्गों के लिए जदोजहद करें उठे आज हमने कर दिया कौन करेगा हमारे भाई ने हमारे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चंद तक की आवाज उठा सकते हैं उठाएं जो कुछ कर सकते हैं करें मेरी पूरी
सजाए कश्मीर के नाम से इन्होंने स्टेज पे परफॉर्म करना है, जिसमें अंधारा फिल्म इंडस्ट्री के रोशन सितारे आसम रशीद कनोरी, आयशा खान, तेरावाड़ा परमगीर बाड़ी, सैयद इरशाद हुसैन भाटी, मलक जफर और नारूफ गोया मुनवर अब्बासी परफॉर्म करने के लिए आए हैं। नाज़रीन तकरीबात मुख्तलिफ सेगमेंट से आगे बढ़ती हैं और अच्छे ऑडियन वो होते हैं कि जो तकरीब के एंड तक साथ देते हैं। तो अभी हम इस तकरीब को बाज़ाब्ता तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अपनी मामा होस्ट के मन से गुजारिश करूँगा कि वो आए इस तकनीक को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें, मेरा साथ दें। मैं एक बार फिर अपने तमाम शरीफ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे अलीपुर के मीडिया पर्सन और सियासी समाजी शख्सियात की तशरीफ आने पर जैसी अफादारियों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दीगर आए हुए मजद मेहमान, सियासी समाजी शख्सियात, तहसील मेम्बरान, नाज़रीन, स्टूडेंट्स, सबको अस्सलाम वालेकुम। वैसे मुझे बताया नहीं गया था कि मैं बात करनी है, चले इज्जत अफजी है मेहमानी है। मैं तकरीर सुन रहा था, उससे पहले करो ने तकरीर की है कि बातों से ज़्यादा अमली काम की ज़रूरत होती है। वो तो ठीक है, हर जगह पे अमली काम की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ इश्यूज को जिंदा रखने के लिए तकरीर भी ज़रूरी होती है, रैलियाँ भी ज़रूरी होती हैं, एहतजाज सरकार को आने भी ज़रूरी होते हैं, तभी ये काज जो है वो जिंदा रहते हैं। जो आज इस मौका पर हमारी साथी बरादरी हैं और हमारे लोक फनकारों ने हजारे यकजहती के लिए कश्मीर के साथ जो प्रोग्राम किया है, मैं उसके लिए ज़बरदस्त खराज पेशी पेश करता हूँ इनको और दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी भरपूर तरीके से क्लैपिंग करके इनको खराज पेशी पेश करें। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वोमेन वीक हरिपुर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मैम शादिया जदून भी आ चुकी हैं, हम उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अभी हम दावत देंगे यहाँ पे हमारा जिस प्रोग्राम के लिए हम बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, स्टेज प्ले के लिए। उनके आने से पहले आपकी क्लैपिंग जारी रहनी चाहिए। दूध के दाम नहीं टूटे उन्हें कश्मीर चाहिए।
हिंदू बढ़िया इन्हे प्लेट में रख के देना कश्मीर खाओ इन्हे कश्मीर चाहिए इनको कश्मीर चाहिए जहां ये आज के यजीद है ये तुमने भाई पाया जो बालों के बेच के अंदर जा रहे हैं बालों के चिपकाए थे वो कहते थे अरे क्या आजादी की कीमत वो मुसलमान कहते हैं ये जन्नत नजीर है देखो जन्नत नजीर की क्या कीमत है अरे इनको देखो बेटियों ने इसने लुटा दी माओ ने बेटे लुटा दिए भाइयों ने भाई चुरा दिए तुमको ये जन्नत नसीब नहीं मिली तो तुम जन्नत में जाओगे कश्मीर कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को उन जैसे जीनियस लोगों को नहीं देने दिया जो इनको चाहिए कश्मीरी जो जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं है इमानी कुछ नहीं है जिनके पास उन्हें कश्मीर चाहिए मेरे मौला इन्हें कश्मीर चाहिए इन्हें कश्मीर चाहिए इन्हें कश्मीर चाहिए इन्हें मैं आज की जाना
अमजद के नाल तेरे ते आसम दे रिश्ते दी गल करना पता है तुसां सारे एवें भी तुसां दा बचपन विच रिश्ता तय हो गया है ਪਰਵਾਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੁਲਦਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਜੁਲਦਾ ਫਿਰ ਖੁਦ ਦੇ ਤਾਂ ਮੋੜ ਕੇ जदों मेरा पेर मर गया सा ते उन्हें ये दोनों मणि संभाली भी दे छोड़ा सा उसी पिछा ये मेरे दिल में टोटे मेरे जिगर हम जदो विकास आदमी हर करना घरे दी बंदे समझाता लोगों का और ना दे तू तो बंदे हालात खराब हो गए बिलकुल साथी नारी करसा साथी जाता ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ला सकता ठीक है मैं जुलना पे तैयारी शारी भी करनी ठीक है तुझे ये सब कितनी ऊंची भी होती है बीना दे हाथी दे बैठ गई बिल्कुल यार निकले क्यों यार से एकदम बड़े हो गए पता ही नहीं लग गया बच्चियां तो एकदम जवान हो चुकी हैं और अपने कहानी हो चुकी हैं मेरे को टाइम का पता ही नहीं लगा कि क्यों हो गए बिल्कुल काश आज जब तुम्हें बात है जिंदा होते तो वो भी ना तो उनका प्यार देख के मुझे ज्यादा खुश होते यार तू ये गला ना कर खुशी का माहौल है ना है कर क्या रात ना बैठ के क्या कर चलो ठीक है आ जा तन्नू पर तो समझ नहीं आ रही हालात दिन ब दिन खराब हो गए इन हालात में तो सब कुछ ठीक हो हालात ते पिछले 74 सालों तो खराब नहीं कदे ज्यादा खराब हो जाते हैं कदे घट के गल जीना ते पैसे ना थे मां दे भी बस सिर्फ तुसा दी शादी दे इंतजार ते मत शादी ना उस तो बाद तुसा किधर जाओ कश्मीर दी मिट्टी मां बुलांदी है भाई मैं अपना हक अदा करने बुलांदी ते असा भी है इस मिट्टी दे ते मेरे तो भी कर्ज है वो कर्ज तो मैं भी ला रहा सारिया बुजुर्गों का लोग इस मिट्टी में शामिल है ये मिट्टी ना कदे काफना दी हुई है ते ना हम देसा इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर कर सी इंशाल्लाह तुम ना के कर जो ना मेरे को घर की तैयारी से नहीं अपनी अच्छी गल तो यह है कि वो इसी है कि जो भी उसके चाचे का घर है कोई मसले की गल नहीं हमेशा पूछ रहे थे ठीक है मैं जुड़ना तैयारी बस तू जो ये बारो ना
से पहले कश्मीर को। यार मुझे जी आज मेरा बहुत परेशान हूँ, काफी देर गुजर गई वापसी। और यार इस जगह देखे ठठा यार किसमो थोड़ा या मोड़ा सी ना यार, जिधे शहीद हुए ना कदम बढ़े नहीं, ते जिधे दिलों में जाने वो भी कदे दिलों में जो निकल दे नहीं, ते जिधे एक तरफ इस दुनिया में बैठे वो फिर मोड़ के नहीं आते। ते मुख लगते क्या सा लोग कदम भी आखरी ही अंजाम है और अंजाम होना भी चाहिए। करों में चाहिए बैठे ने मौतों का इंतजार ना करने हैं और ये अंजाम हो सी भी मोनो है अंजाम है। असी बुद्धिल होके घर में छुप के बैठे थे कि हिंदुस्तान के कुत्ते आवन जाए क्या सा मारन खुद से आखम कोई ये गला ना कर। तेरी नवी नवी शादी हो रही है, तेरे को जरा मारने मरने की गला अच्छा नहीं है। छोड़ो अपनी जान और मैं भी आता इस तरीके आजादी कश्मीर का हिस्सा बनो। उठाओ बंदूक निकलो खुदा के वास्ते कश्मीर बचाओ। हाशिम तुरा हम कमल नाम पे आए तो कुनी जरूरत के साथ चाहे जा चाहे चाहे नहीं तो उन्हें छोड़ दे। तो आप तक कल कल मजबूत पड़े हैं कि सारे सारे मम्मी सारे घर तो मम्मी ना ना मैं तो उन्हें छोड़ रहा हूँ। इस मिट्टी में नापनी माउंट क्यों की लाश देखी है इन्हें आखा ना मैं आपने प्राणा की लाश चाहिए तो उसकी बीवी से बच्चा ना क्यों है थोड़ी घर की जाती हो जाए ना ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸਲ ਧੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਛੋੜਨੇ ਹਾਂ ਜੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਮਨਾਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲਤ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਕਾਲ ਅਗਰ ਡਰ ਕੇ ਮਰੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਦ ਅੰਜਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨੇ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਚਾਹੋ ਇਸ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਂ ਮਚਾਈ ਤੇ ਨਾ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾ ਬਾਦ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਰਾਂ ਮਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਾਬ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ जाएंगे आजादी अपनी अपनी चाहत का परचम उड़ेगा और होगी ये सारी वादी अपनी गर्म की तुम तकदीर लिखो सबसे पहले कश्मीर लिखो उसको चाहिए यार मेरे को पूछे जिधर जुड़ते हैं मतलब मेरे को पूछे मेरे को मामला करे फिर जुड़े क्या हाँ तो क्या बोला मैं पता नहीं जब तक करता की है तो कुछ समझ नहीं है चलो चला गया क्या ठीक मैं अपने गलती कह दिया ना मैं भी चुना पड़ो ना ना उधर जो कहो के हालात खराब ने और नबीला कार का दिए तो मैं अपना कह के मोड़ के आना चल तो तू जो तो बैठ ना रुकी छुट्टी खा के चुना बस खाना क्या करा मैं रहा ना मैं बस ठीक है तू जो वो चल रहे थे वो चल रहे वो हाथ खुद भी तो जल रहे कैसे परेशान होना उसके यहाँ ना पिसर उसको के लगे मेरा दिल डरता है ना बहुत डरता है तू डर ना अल्लाह फेर कर सी अल्लाह फेर कर सी अब ताप क्यों किया है ਵਾਪਸ ਆਣੇ ਆਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਭਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋ ਇਹ
ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਬਰਦੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਜਨਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਬਰ ਕੇ ਬੜਾ ਜੀ ਬੜੀ ਜਵਾਨ ਮਰਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲੁੱਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕੰਨਾਂ ਬਾਸਣ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਹੇ मेरा बयान नहीं आया और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई क्या गुलाम लगते हैं तुम्हारे जो ऐसे जंजीर में खड़े हैं ये कैसे मासूम जी नागरी आज की ये तकरीब अपने इख्तिताम की तरफ रवा दवा है आप लोगों की यहाँ पे अमन यहाँ पे पेश किए जाने वाले कश्मीर के लिए नगमे मासूम बच्चे की स्पीच और ARP प्रोडक्शन की तरफ से पेश किया जाने वाला सदाए कश्मीर ड्रामा ये तमाम चीज़ें कश्मीरी कौम के साथ इजारे आके यकजहती हैं मैं मोहतरमा शादिया जदून साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और इस तकरीब के ऑर्गेनाइज़र शहद अख्तर अवान साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं सब जहां वाले ये जुल्म कोई रोकता नहीं है ये कैसा जालिम है देखो जिसको भरा जमाना टोकता नहीं है तू हमारी मर्जी पे ना हो पाते हम अपनी मर्जी का साथ देंगे तू फिजाए आजाद कर हमारी हम अपनी मर्जी से सांस लेंगे गरम की तुम तकदीर लिखो सबसे पहले कश्मीर लिखो ये पहली एक इबारत कश्मीर असीर है ये फूल बचपन के जो फूल कैद में मुस्कुराए जो सुलगाते हैं चनार मेरे वो जाए जाके अपना घर जलाए खुद से आजाद वादा किया है लेके जाएंगे आजादी अपनी अपनी चाहत का परचम उड़ेगा और होगी ये सारी वादी अपनी गरम की तुम तकदीर लिखो सबसे पहले कश्मीर लिखो